दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी हेल्दी में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा घरेलू नुस्खा, एक ऐसा घरेलू उपाय आपको बताऊंगा जिससे आप पुरानी से पुरानी खांसी आपको या आपके किसी रिश्तेदार को या आपके किसी दोस्त को हुआ हो उसको जड़ से समाप्त कर सकते हैं। वो चाहे किसी भी प्रकार का सर्दी जुकाम खांसी हो, पुराना से पुराना खांसी हो, जो बहुत सारी मेडिसिन, अंग्रेजी मेडिसिन या होम्योपैथ मेडिसिन लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ हो, ये ऐसा उपाय है उससे जड़ से समाप्त हो सकता है। कुछ दिनों के इस्तेमाल से ही ये जो आज मैं उपाय तरीका घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ उसको आप कर लेंगे तो सर्दी खांसी जुकाम जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वो तरीका क्या है जिसे आप अपने घर पे ही बहुत आसानी से बहुत इजीली आप बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं आज का वो घरेलू नुस्खा जो पुरानी से पुरानी खांसी सर्दी जुकाम नज़ला, चाहे वो किसी प्रकार की भी खांसी जुकाम या नज़ला हो, चाहे वो एलर्जिकल हो या किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो, उसमें बहुत ही कारगर है। तो चलिए क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक कप पानी, गर्म पानी चाहिए आपको। उसके बाद ये दालचीनी चाहिए। तो दालचीनी ये आप साबुत है, इसको आप मिक्सी में या वो उसको मिक्सी में इसको चूर्ण बना लेंगे, जैसे कि ऐसा ये चूर्ण बन जाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो है आपका कॉफ़ी, जो आज सर्दियों के मौसम में लगभग सारे लोग एक या दो टाइम तो ज़रूर ही पीते हैं सर्दी को भगाने के लिए। ये हर घर में मिल जाता है, दालचीनी आपको मार्केट में मिल जाएगा या हर किसी के घर में ये भी उपलब्ध रहता है। और चौथी जो चीज़ है वो है हनी, जो हर घर में उपलब्ध रहता है। तो चलिए ये जो पेय पदार्थ, ये घरेलू नुस्खा जो हमें बनाना है वो कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गर्म पानी में हमें एक चम्मच ये कॉफ़ी ले लेना है, लगभग एक चम्मच कॉफ़ी ले लेना है। जैसे हम लोग घर पे कॉफ़ी बनाते हैं गर्म पानी में, तो एक बात का ध्यान रखना है कि इस गर्म पानी में ना तो हमें दूध मिक्स करना है ना तो चीनी मिक्स करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग सादा एक कॉफ़ी बनाना है बिना चीनी और दूध का, और इसको मिक्स कर लेना है कॉफ़ी को गर्म पानी में। उसके बाद जो हमने दालचीनी को चूर्ण किया हुआ है, इसका पाउडर बनाया हुआ है, लगभग एक चुटकी, ज़्यादा नहीं एक चुटकी इसमें मिक्स कर देना है। अब ये एक प्रकार का आपका आयुर्वेदिक पेय बन गया, लेकिन ये फीका है, इसमें ना तो मैंने चीनी डालना है ना दूध डालना है। इसको थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें दो चम्मच शहद मिक्स कर देंगे, क्योंकि शहद खांसी में बहुत ही फायदे की चीज़ होती है और इससे हमें टेस्ट भी आ जाएगा, मीठा टेस्ट आ जाएगा हमारे कॉफ़ी में, और खांसी में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इस तरीके से ये एक तरह का कॉफ़ी, स्पेशल कॉफ़ी बन जाएगा जिसमें हमने हर्ब्स डाला हुआ है, जो दालचीनी है। ये एक बहुत ही बढ़िया घरेलू नुस्खा है, बहुत ही बढ़िया घरेलू पेय है। खांसी के किसी भी कंडीशन में अगर आपकी खांसी है वो पुरानी से पुरानी है या बहुत सारा आपने मेडिसिन ले लिया है और वो ठीक नहीं हो रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो उसमें आप इस चाय को, हम इसको चाय ही बोल देते हैं, ये घरेलू चाय को जो कॉफ़ी भी इसमें मिला हुआ है, इसको आप सुबह शाम अगर लेते हैं, अगर एक सप्ताह ही लगातार ले लेते हैं तो आपकी जो पुरानी से पुरानी खांसी है बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर आप किसी बच्चे को इसको देते हैं तो कॉफ़ी की जो मात्रा है थोड़ा कम कर देंगे, बाकी शहद उतना ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर आप एक से
एक सप्ताह भी लेते हैं, दो तीन दिन में ही इसका और बहुत ज़्यादा आपको फायदा दिखने लग जाता है। एक सप्ताह ले लेते हैं, ये आपके कैसी भी खांसी हो, जुकाम, सर्दी, खांसी, जुकाम कैसी भी हो, वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाती है। तो ये बहुत ही आसान है, आप रोज़ अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। इस कॉफ़ी नुमा पेय को, कॉफ़ी वाले पेय को आप सुबह शाम या तीन टाइम भी ले सकते हैं, आवश्यकता अनुसार तीन टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर सुबह शाम ही दो तीन दिन लेते हैं तो आपकी जो खांसी है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो जितनी भी पुरानी है। इस पर सर्वे भी हो चुका है, काफ़ी लोग, जब सर्वे हो रहा था तो काफ़ी लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी इस पेय के बारे में। एक बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही असरकारक औषधि है ये, आप इसको यूज़ करें। और इस वीडियो को अपने जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी आपके या फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करें, जिससे वो काफ़ी इसका फ़ायदा उठा सके, इस पेय का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, आप इसको पूरे विश्वास के साथ यूज़ कीजिए, और मेरा पूरा पूरा भरोसा है कि आपकी जो खांसी है, जो तकलीफ देह खांसी है, वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे इस वीडियो में पहली बार देख रहे हों तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही नायाब नुस्खे, कुछ उपाय, घरेलू उपाय मैं आपको हमेशा देता रहूँ, नए नए वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, नए साल की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।